सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं 4 साल का था, मेरा नाम रोहन है। कुछ सालों के बाद मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। जब मैं 7 साल का था, अब मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे। हमारा ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, एक कमरे का मकान था, वह भी कच्चा था। रात के टाइम मैं अपनी माँ के साथ ही सोता था। टाइम यूँ बीतता जा रहा था और मैं अब 14 साल का हो गया था। गली में निकला तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते थे, तुम्हारी माँ कैसी है? मैं हैरान होता सब मोहल्ले वालों को, मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र लगी रहती है। जब माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नज़रों से देखते थे। एक रात मैं सोया पड़ा था, हमारे कमरे की खिड़की जो बाहर की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मार के उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ कर बैठ गए थे। मेरी माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि तुम बाहर सोया करोगे। माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा और माँ मुझ पर गुस्सा निकाल रही हैं। खैर, मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लग रही थी। अभी इस बातों को 2 ही दिन बीते थे कि एक रात मेरी मम्मी ने मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें आज ही इस घर को छोड़कर शहर जाना है। हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी। अब उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इस टाइम इस घर से जाना होगा। मेरी माँ फिर ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर घर से बाहर की दहलीज पार कर ली थी। मेरा हाथ पकड़कर माँ किसी आदमी की तरह चली जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवर पैसे वगैरह डाल रखे थे, और दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, शायद हमारे इंतज़ार में थी। मैंने देखा, गाड़ी वाला हमसे कोई सवाल किए बगैर हमें अपने गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो ये था कि मेरी माँ का कोई जान पहचान वाला ही था। गाड़ी शहर की तरफ चल रही थी। हम लोग रात को ही दूसरे शहर में आ गए थे। घर शहर में था और आदमी हमें इस घर में छोड़कर चला गया था। मेरी माँ और उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। खैर, हमें जिस मकान में छोड़ा गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। मम्मी ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरे जा रहा था। ये सब क्या है, मैंने अपनी माँ से रोते हुए पूछा था। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए थे। बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। मम्मी की बात पर मुझे याद आया, पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलत शब्द कहे थे। घर आकर मैंने मम्मी को सब बात बता दिया था, जिस पर मेरी माँ सदमे में पड़ गई थी। आज ये सब हो गया था। माँ ने मुझे कहा था कि वहाँ सभी तुम्हारे माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, इसलिए उस गांव से मैं तुम्हें शहर में ले आई हूँ। कहीं उन लोगों से तुम लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। माँ बोली, यहाँ तेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा, तुमको मेहनत करनी होगी, स्कूल में पढ़ना होगा। अगले दिन मेरी माँ मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मैं दिन रात पढ़ता रहा, मुझे किसी चीज़ की होश ना रहता। लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती थी, मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। अब माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक दिन मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो मेरी माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर ना जाने दिया। मम्मी बोली, बेटा, तू बड़ा हो गया है और आसपास बने हुए मकान हैं, इसलिए पहले कोई तेरी शिकायत करे तू छत पर मत जाना। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझ पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही थी। मैंने माँ से छत पर जाने की जिद की तो माँ कहने लगी, बेटा, तुम अभी नहीं जा सकते, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया था, मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं जानना चाहता था कि माँ ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती हैं। और आज वाकई मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर उठकर माँ के कमरे में आ गया। मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी तो वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, माँ, ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बिस्तर भी रखा हुआ है, तकिया भी है। माँ मेरी बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा, मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों माँ,
इस चारपाई पर कौन सोता है? मुझे तो आप अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। बेटे, मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे पापा की आत्मा आती है। पापा की आत्मा यहाँ कैसे आ सकती थी? मैंने तो पढ़ा था, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। फिर मैंने अपनी माँ से अपने शक के बारे में कह दिया था। हर बार जब माँ की कोई ना कोई चीज़ देखता तो मैं दिमाग में पहले सारी बातें घूमने लगती। मम्मी की बातों पर अब मैं ज़्यादा शक करने लगा था। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है? एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर भगवान न जाने वजह क्या थी, मम्मी दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोया करती थी। फिलहाल मैं चुप हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब माँ की बाकी चीज़ों पर भी नज़र करूँगा, छत पर भी जाऊँगा। पर उससे पहले कि एक ऐसा किस्सा मेरे सामने हो गया कि जिसमें मेरे दिमाग को ज़्यादा शक में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। अब मैं यूँ अपनी माँ से छुपकर एक दुकान पर काम करने लगा। मुझे कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा था। अब कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था। मैं चाहता था कि ज़िंदगी की गाड़ी भी धीरे धीरे चलाऊंगा ताकि माँ पर ज़्यादा बोझ ना बनूं। न जाने मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती थी, ये राज आज तक मुझे नहीं मालूम था। पर मैं ये ज़रूर जानना चाहता था। माँ को पैसों की ज़रूरत होती तो वह पाई पाई का हिसाब इसलिए करती थी क्योंकि उसके पास पैसे कम होते थे। हैरत की बात ये थी कि घर में सारे जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। माँ ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब वह जेवर को पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखता तो वह रंगीन कपड़े में होती और खुश मिजाज होती। उन्हें देखकर लगता था कि मेरी माँ विधवा नहीं है, क्योंकि वह तो बिल्कुल आम औरतों की तरह रहती थी। रंगीन कपड़े पहनती थी और खुश रहा करती थी। नहीं तो मैंने गाँव में अक्सर विधवा औरतों को देखा था, गम में रहते हुए और रोते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और सफ़ेद कपड़े पहने हुए। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मेरी माँ उल्टा सज संवर कर रहा करती थी। खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती थी, बल्कि अपने चेहरे पर मेकअप लगा कर रखती थी और लिपस्टिक वगैरह भी लगाया करती थी। अपने गले में मंगलसूत्र और कलाइयों में जेवर जरूर पहनती थी। माँ की बातों पर मैं कभी भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक किस्से ने मुझे माँ की तरफ ज़्यादा शक में डाल दिया था। क्योंकि मैं जिस दुकान पर काम करता था और सीखता था, वहाँ एक दिन मुझे एक सनी नाम का लड़का मिला और वह लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा गांव कहाँ है? इत्तेफाक से हम दोनों एक ही गाँव के थे। मज़े की बात तो ये थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। आज वह मुझे 18 साल बाद मिल रहा था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश थे। वह कहने लगा, तुम यहाँ आ गए हो, हमें तो पता नहीं चला। तुम्हारी माँ रातों रात उस मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई, और तुम भी तो नज़र नहीं आए। हम तो ये समझने लगे कि तुम लोग, भगवान न जाने तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। ये कहकर उसने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, अपनी बात तो पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है ना? उसने अजीब से शब्द में पूछा था, उसके शब्द में थोड़ी घिन थी। मैंने कहा, माँ ठीक है। मैंने उससे बहुत उरेदने की कोशिश की वो मुझे इस बारे में कोई बात बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, इतना बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजबूर होते हैं, जो अपनी माँ के कैरेक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में की थी, सो मैं उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं कर सकता था। मगर मेरी अपनी माँ पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ूंगा। अब मैं समझदार हो गया था, जमाने की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी से मिलती है, उसका किसी आदमी के साथ कोई चक्कर तो ज़रूर है, या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से मेरी माँ इतनी सफाई से उस रात गाँव से चलकर शहर आ गई थी, वह भी किसी के मदद किए बगैर। कैसे? अब तो माँ पर मैंने एक एक चीज़ पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा था, रात के करीब करीब 1 बज रहे थे। अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूँगा कि वहाँ पर क्या होता है, वह दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर मैं जैसे ही अपनी माँ के कमरे में बाहर रखे जूतों को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। हैरत के मारे आँखें
फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर दो किसी आदमी के जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि आज घर में कोई और भी आया हुआ है। मैंने सोचा कि माँ के कमरे के नॉक करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको मौके देने से अच्छा कि मैं यहीं बाहर बैठकर इंतज़ार करूँ वह आदमी कौन है और कहाँ जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर आंगन में बैठा मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का दृश्य भी साफ नज़र आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नज़र जमाए हुए था। रात के काफ़ी सारे रात बीत गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी नज़रें चौकन्नी थी और मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया था। फिर सुबह के 5 बजे मेरी आँख खुल गई, मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि माँ बाहर के काम कर रही थी, वह जाग रही थी। ये देखकर मैं तेज़ी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वह जूते वहाँ थे और ना ही कमरे में वैसा कोई असर दिख रहे थे। मुमकिन है कि वह आदमी जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिस पर माँ से सवाल जवाब करता। मैं चुप हो गया, दिल ही दिल में सोचने लगा अब मैं माँ का राज कल जरूर फाश करूँगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूँगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊँगा और जब आदमी आएगा तब जरूर दिखेगा कि वह कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया था। मुझे नींद आई, मैं उस आदमी का इंतज़ार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेंगी। मैं घर के अंदर जाकर आंगन में बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे 2 मिनट ही बीते थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। माँ ने मुझसे पूछा कि रोहन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे। मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरे बहुत करीब आई और इस बार जो माँ ने मुझसे कही मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरे दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ और जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ के मुँह से सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ, आपको मेरी ये बात कैसे पता चली। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। मैं बोला, माँ, मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती कि क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुम पर अपने खोल कर रख दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, पर अब मुझे उस कसमुकस में न रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, संडे का दिन तुम्हारी मैंने शादी तय कर रखी है। अगर तुम मेरी मर्जी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बता दूंगी, फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने ज़्यादा कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात भी मान ली थी। अब मुझे संडे का बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी उम्र 22 साल हो चुका था। मेरी माँ शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये तो मैं भी नहीं जानता था। संडे का दिन आ गया। मम्मी मुझे गाड़ी में बिठा कर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया था। वहाँ पर माँ मुझे बड़ी इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं है। मैंने नामे सिर हिला दिया, तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरफ से मदद करेंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं नहीं जानता था माँ मेरी उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद मैं अपने शादी के मंडप में बैठ गया था। मेरे पास मेरी दुल्हन भी बैठी हुई थी और फिर हमारा विवाह संपन्न हो गया था। अब यूं तो उर्मिला मेरी पत्नी बन गई थी। अब उर्मिला में क्या कमी थी जिसकी वजह से उन 7ों भाइयों ने उसकी शादी मुझसे की थी, ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ था। उर्मिला एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने मेरी माँ को न जाने कैसे ढूंढा था, बस मेरी शादी उर्मिला से हो गई थी, मगर वो बेहद खूबसूरत थी। जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज़्यादा उस बात का जानना जरूरी था, माँ ने मुझसे इतनी ज़्यादा राज क्यों छुपाए हैं। अब वह मेरी माँ थी, वह एक विधवा औरत थी, मैं उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। माँ ने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी थी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी और मैं अपने माँ के पास चला आया और उनसे कहा कि माँ, अगर आपने मुझसे सारे राज नहीं बताए
तो मैं कभी आपका कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, इधर आओ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों के बारे में नहीं बताओगे। माँ के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस जमाने में औरत जितनी ही पवित्र क्यों ना हो, ये जमाना उसे जीने नहीं देता। अकेली तन्हा औरत पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। हमारा छोटा सा घर था, तुम मेरे पास सोते थे और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे में खिड़की गली के तरफ थी, गली के कुछ लोग मुझ पर नज़र रखते थे और मेरे घर में ताका झांकी शुरू कर दी थी। उस दिन हमारे घर की खिड़की किसी ने तोड़कर अंदर झांकने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मेरे कमरे में एक आदमी आया, उसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं उस आदमी को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वह आदमी कोई और नहीं, वह तुम्हारे पापा का दोस्त था। जिस लड़ाई में मेरे पति शहीद हुए थे, उसी लड़ाई में उसके बीवी बच्चे भी इस दुनिया से जा चुके थे। उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझ पर काफ़ी एहसान किए थे, अब उसकी बारी है, तो मैं उसके बीवी बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दूँ। आप मेरे साथ शादी कर लें और मेरे साथ शहर चलें। मैंने अपनी शादी वाली बात तो ना मानी थी, पर उसके साथ मैं शहर चली आई थी क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन मैंने उससे शादी के लिए नहीं मानी थी। उसने मेरे साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं किया और मेरा और तुम्हारा खर्चा वह हमेशा उठाता रहा और वहाँ पर लोगों से कहलवा दिया कि ये लोग मेरे बीवी बच्चे हैं, ताकि लोग मुझे बुरी नज़र से ना देखें। और मैं आज भी इसी वजह से सुहागनों की तरह रहती हूँ। वह तेरे पापा के दोस्त के पास जो लड़की देखी थी, वह लड़की मुझे बहुत ही सुंदर लगी, पर वह अपाहिज थी और उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। मैंने उसके एहसानों के बदले उस लड़की से तेरी शादी करवा दी। अब तू ही बता बेटा, मैं गलत हूँ या सही? और वही आदमी हमारे घर कभी कभार हम दोनों का खर्चा पहुँचाने आ जाता था, और आज तक उसने मुझसे कोई बदतमीजी से बात नहीं की है, ना मुझे छुआ है। जिसके जूते तुमने मेरे कमरे के बाहर देखा था, वह आदमी के ही थे, और जो मैंने चारपाई कमरे में बिछाई थी, वह उसी आदमी के लिए थी, क्योंकि मैं आज तक अपने चारपाई पर किसी गैर आदमी को नहीं बैठने दिया था। वह इस चारपाई पर आकर बैठता और कुछ घंटे रहता, फिर चला जाता। अब तुम बताओ बेटा, मुझे उस आदमी के साथ शादी कर लेना चाहिए या नहीं? मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, माँ मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें उन अंकल के साथ शादी करवाने पर राजी हूँ। चलो मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाऊँगा और चलो मैं अंकल के पास खुद छोड़कर आऊँगा। मैं इतना तंग दिल भी नहीं क्या? मैं अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी शान को बढ़ावा दूँ? मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ रही है और जिसके लिए मैं जमाने से लड़ रही थी वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैं माँ को सीने से लगाए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि जमाने की औरतें वाकई बहुत मजबूर हो जाती हैं, चाहे वह अपने आप को ठीक साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दें, उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा हूँ। मेरा सौतेला बाप कभी कभार हमसे मिलने आ जाता है, वह भी बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।